दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जो एक न एक दिन सभी को आनी है। कुछ लोग बीमारी में मर जाते हैं, तो कुछ लोग सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, तो वहीं कई लोगों को सामान्य मौत आती है। लेकिन मौत जरूर आती है। इसके विपरीत दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ही अजीब गरीब तरीके से मारे गए हैं, जिनको जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के अजीबोगरीब तरीके से मरने वाले लोगों के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। क्लेमेंट वल्डिग्म। क्लेमेंट लियर्ड वल्डिग्म एक ओहियो राजनेता और अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान युद्ध विरोधी डेमोक्रेट के कोपरहेड गुट के नेता थे। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दो कार्यकाल दिए। 1871 लेबनान ओहियो में वह 50 वर्ष की उम्र में क्लेमेंट की गलती से एक पिस्तौल के साथ पेट में गोली लगने से मृत्यु हो गई। इनको मर्डर केस व कानून की काफी जानकारी थी। इनकी मौत एक मर्डर केस सुलझाते समय हुई थी। वह ओहियो के हैमिल्टन में एक बाथरूम में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में एक प्रतिवादी थॉमस मैकगेन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें क्लेमेंट हत्याकांड का नाटकीय रूपांतरण कर रहे थे कि तभी क्लेमेंट ने अपनी जेब से अपनी पिस्तौल खींचते समय गलती से खुद को पेट में गोली मार ली थी। अडोल्फ फ्रेडरिक। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 18वीं सदी के स्वीडन के राजा अडोल्फ फ्रेडरिक की मौत ज्यादा खाना खा लेने के कारण हुई थी। अडोल्फ ने अपनी मौत से पहले लॉबस्टर, कैवियर, सॉकर क्राफ्ट, कीपर्स और शैंपेन युक्त भोजन किया था। उसके बाद उनकी 14 पसंदीदा सर्विस में से सबसे ऊपर था हेटवाग से बना सेमिला और एक कटोरी दूध परोसा गया था। जिस तरह से उन्होंने अपनी मौत से पहले भारी मात्रा में खाना खाया, वह देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। 60 वर्ष की उम्र में इतना भोजन करना किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक व जानलेवा साबित हो सकता है, और उस समय स्वीडन के राजा के लिए वो भोजन वही साबित हुआ। इजाडोरा डंकन। इजाडोरा डंकन की मौत ने सभी को हिला दिया था। इजाडोरा को मॉडर्न डांस की मदर भी कहा जाता था। एक समय पर वह अमेरिका में सबसे बड़ी डांसर भी मानी जाती थी। लेकिन आपको बता दें कि उनकी मौत का कारण जानकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल उनकी मौत का कारण उनका एक स्कार्फ बना था। यह स्कार्फ उनको उनकी दोस्त ने तोहफे में दिया था, जो कि लंबाई में काफी बड़ा था। एक बार इजाडोरा वह स्कार्फ पहनकर अपनी गाड़ी में घूमने के लिए निकली और लापरवाही के कारण उनका स्कार्फ गाड़ी के टायर में फंस गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। राजेश मारू। दोस्तों, ये घटना बीते साल 2018 में मुंबई की है। 32 वर्षीय राजेश मारू की मुंबई के नायर अस्पताल में एमआरआई स्कैनर वाले एक कमरे में एक ऑक्सीजन टैंक ले जाने के बाद मृत्यु हो गई। मशीन के चुंबकीय क्षेत्र ने मारू को अपने हाथ में खींच लिया, जिससे कि ऑक्सीजन टैंक टूट गया, जिस कारण भारी मात्रा में तरल ऑक्सीजन निकला। अस्पताल के एक कर्मचारी ने मारू को टैंक का परिवहन करने के लिए कहा था, क्योंकि स्कैन के दौरान अस्पताल में मारू के भर्ती रिश्तेदार को उसकी जरूरत थी। एक शव प्रशिक्षण में पता चला कि लीक ऑक्सीजन के बहुत उच्च स्तर से संपर्क में आने के कारण राजेश मारू तुरंत मर गया। हंस स्टेनिगर। इस बात पर शायद आपके लिए भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन 16वीं सदी में बने ब्रूनो के मेयर की मौत दाढ़ी पर फिसलने की वजह से हुई थी। ब्रूनो के मेयर रहे हंस स्टेनिगर अपनी लंबी दाढ़ी के लिए जाने जाते थे।
सबसे पहले हैरान करने वाली बात ये थी कि उनकी दाढ़ी 4.5 फीट लंबी थी और वह उसे आमतौर पर अपनी जेब में रखते थे। लेकिन जब एक बार वह किसी कमरे में आग में फंसे तो वह अपनी दाढ़ी को सहेजना भूल गई और उसी के ऊपर अपना पैर रख बैठे, जिस कारण वह फिसल गए और दम तोड़ बैठे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।